हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स और मेरा नाम है पंकज। मैं करता हूँ आपका स्वागत मेरे इस चैनल पे ईस्टर कोस्टल राइड सीरीज के इस एपिसोड में। अब हम जाने वाले हैं पौंडेचेरी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ खास और फेमस है यहाँ आसपास पौंडेचेरी में, घूमने के लिए कैसे आप आसानी से पहुँच सकते हैं पौंडेचेरी और कितने दिन का टूर प्लान आप यहाँ लेकर आए पौंडेचेरी में घूमने के लिए। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहेगा इस एपिसोड में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा पूरा महाबलीपुरम का सिटी टूर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी फिलहाल आप हैं महाबलीपुरम के महाबलीपुरम बीच पे और बिल्कुल रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से पौंडेचेरी के लिए। करीब 98 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता है और बस उम्मीद है 2 से 3 घंटे में रुकते रुकते फोटो खींचते हम पौंडेचेरी पहुँचेंगे, फिर वहाँ होटल चेक इन करेंगे और फिर वहाँ के लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट को कवर करेंगे। चलिए फिर आज चलते हैं। तो अभी हम बिल्कुल बीचों बीच हैं पौंडेचेरी और महाबलीपुरम के। अभी बीच में कुछ खूबसूरत नज़ारे दिख गए थे पीछे, तो हम रुक गए थे और रोड भी काफ़ी शानदार है, दोनों तरफ पेड़ पेड़ ही पेड़ है और उनकी छाया के बीच ये रोड निकलती हुई, और हम इसमें चला रहे हैं गाड़ी और ले रहे हैं आनंद इस खूबसूरती का। और यहाँ से पौंडेचेरी अब रह गया है केवल 30 किलोमीटर, तो पहुँचते हैं फटाफट पौंडेचेरी। तो अभी हम रुक चुके हैं पौंडेचेरी से 10 किलोमीटर पहले, क्योंकि दिक्कत हमको ये खूबसूरत नज़ारा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी है और मज़े ले रहे हैं इस बीच के, और रास्ते में आपको ऐसे ऊँचे ऊँचे लंबे नारियल के पेड़ दिख जाएंगे और इस तरह के खूबसूरत बीच तो पूरे रास्ते आपके साथ चलते ही हैं, और तो क्या चाहिए ज़िंदगी में, मज़ा ले रहे थे हम भी इस बीच का। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ के कुछ खूबसूरत शॉट। तो अब हम वहाँ पहुँचे हैं पौंडेचेरी के इस म्यूज़ियम में, और ये छोटा सा पौंडेचेरी का लोकल म्यूज़ियम है। पहले चल लेते हैं अंदर, ये देख लेते हैं। फोटोग्राफी एक्चुअली इसके अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं अभी अंदर का आपको वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं देख के अंदर आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि अंदर क्या कुछ था और क्या देखने लायक है या नहीं। तो म्यूज़ियम मैंने अभी पूरा देख लिया है, इसके अंदर काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हैं जो आज़ाद भारत से पहले की है उससे रिलेटेड रखी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चीज़ें हुआ करती थी, कॉइन्स का कलेक्शन है, और इसके अलावा पुराने फर्नीचर्स राजा महाराजा के टाइम पे और ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्नीचर्स, काफ़ी कुछ चीज़ें पुरानी यहाँ रखी हुई है। म्यूज़ियम आप देख सकते हैं, एंट्री टिकट 10 रुपये है और इसको देखने के लिए आपको आधे घंटे का समय लग जाएगा। पौंडेचेरी पहुंचने के 3 आसान रास्ते हैं। अगर आप बाय एयर पौंडेचेरी आना चाहते हैं तो पौंडेचेरी का नियरेस्ट एक्टिव एयरपोर्ट पौंडेचेरी में भी है, लेकिन यहाँ पर केवल छोटी फ्लाइट जाती है बेंगलोर हैदराबाद से। और इसके अलावा जो बड़ा एयरपोर्ट है वो नियरेस्ट चेन्नई में है, जहाँ की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट्स आती हैं और यहाँ से केवल 140 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर बाय ट्रेन अगर पौंडेचेरी आना चाहते हैं तो पौंडेचेरी का रेलवे स्टेशन पौंडेचेरी में भी है, और इसके अलावा जो नियरेस्ट एक्टिव रेलवे स्टेशन है वो विल्लोपुरम में है, जो यहाँ से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर है, आप वहाँ के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। और अगर आप बाय बस पौंडेचेरी पहुँचना चाहते हैं तो पौंडेचेरी वेल कनेक्टेड है यहाँ आसपास सभी मेट्रो सिटीज से, जैसे चेन्नई, मदुरई, रामेश्वरम। अभी हम गुजर रहे हैं यहाँ की फ्रेंच कॉलोनी से और जा रहे हैं और बिंदु आश्रम की तरफ।
तो अब हम पहुंच गए हैं पांडिचेरी के इस अरबिंदो आश्रम में। वैसे अरबिंदो आश्रम में भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बिल्कुल फ़ोन भी स्विच ऑफ करा दिए जाते हैं अंदर जाने से पहले। तो मैं जाता हूँ अरबिंदो आश्रम अंदर, देख कर आता हूँ, फिर आके आपको अपडेट देता हूँ। मैंने विजिट कर लिया अभी अरबिंदो आश्रम, और अंदर यहाँ पर समाधि है यहाँ के एक अरबिंदो बाबा और उनकी मदर की समाधि है, और बिल्कुल शांति वाला माहौल है। आप अंदर जाके आराम से मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे उनके द्वारा लिखी गई, उनकी मदर द्वारा लिखी गई बुक्स और उनकी फोटोग्राफ्स काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो अब हम आप पहुँचे हैं पांडिचेरी के इस बोटेनिकल गार्डन में, और काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा गार्डन है ये। यहाँ पर आपको म्यूजिकल फाउंटेन और काफ़ी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए झूले मिल जाएंगे, और गार्डन भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ टॉय ट्रेन भी चलती है, आप उसमें भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आज के दिन तो टॉय ट्रेन बंद है। तो हम घूम रहे हैं पैदल पैदल और देख रहे हैं पूरे इस गार्डन को। ये यहाँ का बोटेनिकल गार्डन है जो कि एरिया में काफ़ी बड़ा है, और अगर आप फूलों के मतलब फ्लावर्स के शौकीन हैं तो ये जगह आप ही के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको सैकड़ों तरह के अलग अलग फूल मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए झूले, टॉय ट्रेन और फिश एक्वेरियम भी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं पांडिचेरी के इस मनाकुला विनायकर मंदिर में, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिख रहा है ये बाहर से। मैं अभी जाता हूं दर्शन कर रहा हूं। तो कर लिए हैं मैंने दर्शन इस पर गणेश टेंपल में। ये है गणेश जी का मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, और बहुत ही खूबसूरत गणेश जी की प्रतिमा थी इस मंदिर में, और अंदर से भी मंदिर की बहुत ही खूबसूरती देखने जैसी है। कैमरा अंदर अलाउ नहीं था तो मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंदिर था। आप इधर आएँ तो बिल्कुल इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पांडिचेरी के इस फेमस बीच जो कि है पांडिचेरी बीच या रॉक बीच पे, और शाम के टाइम यह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। काफ़ी सारे लोग यहां आए हुए हैं और ले रहे हैं मज़े इस खूबसूरती के। मेरे पीछे आप अभी देख रहे हैं ये गांधी स्टैचू, और ये पांडिचेरी की बहुत ही फेमस सी साइड वॉक है। बहुत ही लंबा वॉक एरिया यहाँ पर दे रखा है, जिसके एक तरफ तो होटल्स हैं, कैफेज़ हैं, बुक स्टोर्स हैं, और एक तरफ बहुत ही खूबसूरत समुंदर है, और लोग यहाँ पर आते हैं वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, जो आप चाहे कर सकते हैं। और बहुत ही ठंडी हवा और खूबसूरत जगह भी है देखने के लिए, और अभी भी काफ़ी रश हो रखी है, काफ़ी लोग यहाँ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं और शानदार कैफ़े का लुत्फ़ उठा रहे हैं।
अभी अब मैं सी साइड वॉक एरिया में, जो कि काफ़ी लंबा है और देखने में बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल क्लीन है। आप यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों और अपने पार्टनर्स के साथ, और आपको बहुत ही शांति और आनंद मिलेगा इस जगह पर वॉक करके। और शाम के टाइम आप ले सकते हैं कैफे में स्नैक्स का भी मज़ा सामने इतने खूबसूरत समुद्र के नज़ारे के साथ। तो अभी हम पहुंच गए हैं पांडिचेरी के इस मैत्री मंदिर में, और जो कि पड़ता है ऑरोविला में, जो कि पांडिचेरी से करीब है 15 से 20 किलोमीटर दूर। आप डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में स्टे कर रहे हैं, तो 15 से 20 किलोमीटर पांडिचेरी से बाहर की तरफ चेन्नई की तरफ आप आएंगे तो ऑरोविला में आपको मिलेगा ये मैत्री मंदिर। ये एक तरह का मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पर देश और विदेश से काफ़ी लोग आके यहाँ अंदर काफ़ी महीनों तक रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं। बहुत ही बड़े एरिया में पूरा मेडिटेशन सेंटर फैला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है मेडिटेशन सेंटर। काफ़ी डेकोरेशन और काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव आइटम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपको इस नेचर के बीच में ऐसे मेडिटेशन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है अगर आप यहाँ अंदर आते हैं और रहते हैं। यहाँ रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और काफ़ी सारे कैफेज भी हैं अब यहाँ पर, और पिकनिक स्पॉट भी है, मेडिटेशन सेंटर भी है, पिक्चर थिएटर भी हैं जिसमें पूरी स्टोरी बताई जाती है यहाँ इस सेंटर के बारे में, और एक बड़ा ओपन थिएटर भी है, और जो ओपन थिएटर है वहाँ पर इनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं। कार पार्किंग से करीब 1 किलोमीटर अंदर चलने पर मैत्री मंदिर के दर्शन होते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं ऑरोविला के इस गोल्डन ग्लोब के पास में, जो मेरे पीछे आप गोल्डन ग्लोब देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, कोविड की वजह से एंट्री रिस्ट्रिक्शन कर रखी है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं गोल्डन ग्लोब, जिसके अंदर बैठ के मेडिटेशन करते हैं। फ़िलहाल अभी कोविड-19 की वजह से अंदर एडमिशन अभी अलाउड नहीं है, और नॉर्मल डेज में इसके अंदर ही मेडिटेशन के लिए एक अलग से रूम बना हुआ है, और इसके ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच एक क्रिस्टल लगा है ऊपर, जहाँ से सूरज की जो किरणें होती है वो अंदर आती है और पूरे रूम में लाइट हो जाती है, और उस लाइट के साथ ही लोग यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। पांडिचेरी के लिए अपना टूर प्लान 3 से 4 दिन का बना सकते हैं। आप अपना टूर प्लान कुछ ऐसे प्लान करें। इसके अलावा पांडिचेरी में ऐसे खूबसूरत बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर आपको मिल जाएंगे, और यहाँ की नाइट लाइफ भी काफी अच्छी है। आपको फ्रेंच कॉलोनी में खूब सारे कैफेज, बार, लाइव म्यूजिक और डिस्को ट्रैक्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। ये हमारा इस्टल कोस्टल राइड का सफर अभी जारी रहेगा।